हाथरस का भोले बाबा, वही भोले बाबा जिसके सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों की मौत हो गई। भोले बाबा का असली नाम है सूरज पाल उर्फ नारायण साकार हरि। कहां है बाबा? 121 लोगों की जान चली गई, उनके भक्तों की जान चली गई, लेकिन बाबा गायब हो गए। बाबा अचानक से गायब हो जाते हैं, बाबा अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बाबा का कहीं कोई अता पता नहीं लगता। बाबा के चरणों की धूल के लिए, बाबा के पैरों की धूल के लिए लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और 121 लोगों की जान चली जाती है और हाथरस कांड के बाद भोले बाबा अचानक से फरार हो जाते हैं। नारायण साकार हरि कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश पुलिस को भी नहीं पता, यूपी पुलिस भी नहीं जानती कि भोले बाबा कहाँ छिपा बैठा है। हाथरस पुलिस को घटना के बारे में पूछताछ के लिए बाबा चाहिए, लेकिन बाबा गायब है, बाबा ढूंढे नहीं मिल रहे। हाथरस में मची भगदड़ के बाद बाबा मैनपुरी के आश्रम में छुप कर बैठ गया। करीब 2:30 बजे बाबा मैनपुरी के आश्रम में गया था। भगदड़ के बाद से ही मैनपुरी पुलिस आश्रम के चारों तरफ पहरेदारी कर रही, लेकिन फिर बाबा अंदर से गायब कैसे हो गया? हर किसी ने बाबा को आश्रम के अंदर जाते देखा, लेकिन बाहर निकलते किसी ने नहीं देखा। इसी दौरान बाबा के आश्रम से कुछ गाड़ियों का काफिला निकला था, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि उसमें जो लोग रात भर आश्रम में थे वो लोग निकले। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि शायद उन्हीं गाड़ियों के काफिले में बाबा फरार हो गया था। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मैनपुरी आश्रम में जुटे थे। बीते 2 दिनों से पुलिस लोगों को बाहर निकाल रही है, लेकिन पुलिस को बाबा नहीं मिल रहे। देर रात एसपी सिटी की अगुवाई में 3 थानों की फोर्स और डिप्टी एसपी के साथ आश्रम में छापेमारी की गई। बाहर निकले अफसर तो बोले कि आश्रम की सुरक्षा देखने आए थे। बाबा के फरार होने की पूरी कहानी जान लीजिए। बाबा दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकल गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल चेक किए तो पता लगा कि बाबा को लगभग 2:50 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया। अब पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने इसी कॉल पर बाबा को इस घटना की जानकारी दी थी और बाबा के फोन पर कॉल गया और 2:17 बात हुई। इसके बाद बाबा की फोन की लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली, जिस दौरान तीनों नंबरों पर बाबा की बात चल रही थी। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का था, जिससे 3 मिनट बात हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का, जिससे लगभग 40 सेकंड बात हुई। और तीसरा नंबर किसी रंजना का था, जिससे बाबा की बात तकरीबन 11:33 हुई। खास बात ये कि रंजना देव प्रकाश आयोजक की पत्नी है, जिसके फोन से शायद देव प्रकाश की बातचीत थी। बाकी 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही हैं, जिनसे महेश चंद्र बाबा का खास बताया जा रहा है। यानी दोपहर 3 बजे से 4:35 तक बाबा की लोकेशन मैनपुरी के आश्रम में बताई गई और 4:35 के बाद बाबा का मोबाइल फोन बंद हो गया और अभी तक फोन स्विच ऑफ है। मैनपुरी के आश्रम जाते देखा, लेकिन आश्रम के अंदर से बाबा कहां गायब हो गया ये कोई नहीं जानता, ये पुलिस भी नहीं जानती। पुलिस आधी रात मैनपुरी के आश्रम में गई, छापेमारी की, लेकिन खाली हाथ लेकर बाहर आई। अब बड़ा सवाल ये, 121 लोगों की जान चली गई, बाबा पूछताछ के लिए भी सामने क्यों नहीं आ रहा? अपना पक्ष बाबा रख क्यों नहीं रहा है? लखनऊ से अरविंद ओझा के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।